गोरखपुर में क्रिसमस के मद्देनजर एसपी ट्रैफिक श्याम दोबिंद ने गंभीरता दिखाई है। उन्होंने बताया कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को 3 जोन में बांटा गया है। नौकायान चिड़ियाघर और पादरी बाजार में ट्रैफिक व्यवस्था बढ़ाई गई है। एसपी ट्रैफिक श्याम दोबिंद ने बताया कि भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने को लेकर ट्रैफिक पुलिस को अलर्ट किया गया है। शहर की यातायात व्यवस्था का सुगम संचालन कराया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक श्याम दोबिंद ने कहा, क्रिसमस त्योहार के दृष्टिगत जो है यातायात पुलिस द्वारा एक विस्तृत प्लान बनाया गया है कि जिससे लोगों के आवागमन में कहीं कोई समस्या ना हो, इसके लिए हमने 3 जोन में पूरे महानगर को बांटा है। पहला जोन हमारा जो है कि नौकायन और चिड़ियाघर वाला एरिया है, वहां पर हमने एक डीआई के नेतृत्व में ड्यूटी लगाई है। हर कट पॉइंट पर उसके डाइवर्जन ड्यूटियाँ हैं, पार्किंग के लिए अलग ड्यूटियाँ हैं, और जो हमारा नौकायन है वहाँ पर अलग सिविल पुलिस के साथ ट्रैफिक की ड्यूटी भी लगाई गई है। इसी तरह से दूसरा एरिया हमारा शहर का है, जैसे शास्त्री चौक है और शहर का मेन एरिया है कोलगर एरिया है, शास्त्री चौक है, धर्मशाला बाजार है, इस सब एरिया में भी हमने एक दूसरा जोन बना के यहाँ एक टीआई के नेतृत्व में ट्रैफिक की ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं हर चौराहे तिराहे बाजार में। इसी में हमारा जो तीसरा जोन है वो बसारतपुर पदरी बाजार शाहपुर का क्षेत्र है, वहाँ पर जो है कि गिरजाघर और वहाँ आसपास मेले लगते हैं, जो वहाँ पर जो है कि काफी भीड़ होती है, वहाँ के लिए हमने अलग से ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं। तो इस तरह से हमारी ड्यूटियाँ 3 जोन में बांट कर लगाई गई है। सिविल पुलिस की भी ड्यूटी लगाई गई है और जो है कि यातायात पुलिस की भी ड्यूटी लगी हुई है। आवागमन में कहीं कोई समस्या नहीं होगी, डाइवर्जन की बेहतर व्यवस्था की गई है जहाँ पर अगर भीड़ पड़ेगी, और इस तरह से पार्किंग की भी व्यवस्था हर जगह की गई है।